आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल मकर संक्रांति पे बनने वाली तीर गुड़ की चक्की। बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत आसानी से मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ले लेंगे गुड़, और जो गुड़ है ना हमारा एकदम मतलब बारीक कटा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल भी बड़े बड़े जो पीसेस होती है ना वैसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना क्या होगा गुड़ जल जाएगा पकाते पकाते। तो इस तरीके से मैंने गुड़ को चॉप कर लिया है और यहाँ पे तिल भी ले लिए। जितनी मात्रा में हम गुड़ ले रहे हैं ना उतना ही हमें तिल भी लेना है। तो 200 ग्राम अगर गुड़ लिया है तो 200 ग्राम ही तिल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 200 ग्राम तिल और गुड़ ले लिया है, दोनों समान ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं और तिल को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। इसे बस लो फ्लेम पे ही हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक कि चटकने की आवाज़ ना आए तब तक। जब भी आप चक्की या लड्डू बनाओ ना तिल के, तो अच्छे तरीके से भून लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा, तभी जाकर चक्की या लड्डू जो है ना अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए चटकने लगे हैं तिल। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देकर तिल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक तिल हमारी ठंडी होती है उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे गुड़। तो गाइस इस तरीके से गुड़ का पाउडर या गुड़ को क्रश करके ही लीजिएगा। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करना है। पानी बिल्कुल भी आप मत डालिएगा वरना चिक्की या लड्डू बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेल्ट होने लगेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आधा चम्मच घी डाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और आपको जो डर होगा ना कि गुड़ जल रहा है तो गुड़ भी जलेगा नहीं। तो गाइस एकदम गैस की फ्लेम को लो ही करके हमें सारा जो गुड़ है ना पका लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ दोगे ना गुड़ नीचे से जल जाएगा और ऊपर वाला जो गुड़ है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हमें गुड़ को अच्छे तरीके से पका लेना है। हमें गुड़ को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छे तरीके से बबल्स आना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में थोड़ा सा बबल्स आना शुरू हो गया है, तो इसे चेक कर लेते हैं। कटोरे में थोड़ा सा पानी लिया है और कुछ ड्रॉप्स मैं गुड़ के डाल दूँगी। तो देखिए गाइस गुड़ जो है ना बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा है, पिघल रहा नहीं है पानी में। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, एक बार चेक करिएगा हाथों से। अगर गुड़ आपके हाथों को सॉफ्ट लग रहा है तो और भी हमें पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये टूट नहीं रहा है, एकदम चिपचिपा सा है। तो इसको कुछ देर के लिए फिर से हमें पकाना होगा। तो गाइस इसको रख देते हैं, फिर से मैंने एक आध मिनट के लिए पका लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा बबल्स आने लगे हैं, ज़्यादा बबल्स उठने लगे हैं, तो फिर से हमें चेक कर लेना है। तो सेम पानी में मैंने थोड़े से ड्रॉप्स डाल लिए हैं और उसको अच्छे तरीके से मतलब गोला बना करके देख लीजिएगा। अगर गुड़ अच्छे तरीके से सेट होता है तो तब आप गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रख कर तिल को डाल लीजिएगा। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो जो है ना स्किप हो चुकी है, यानी कि थोड़ा सा कैमरा जो है ऑफ था ना इसलिए वीडियो नहीं ले पाई। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे प्लास्टिक वाली शीट ली है, इसको घी से या तेल से ग्रीस कर लीजिएगा और जो भी हमारा मिश्रण है ना गुड़ और तिल का इसके ऊपर डाल लीजिएगा। और गाइज ये जो भी प्रोसेस है ना थोड़ा सा फास्ट करना है, एंडिंग में हमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है एकदम फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गुड़ जो है सेट हो जाएगा और हमारी जो चिक्की है ना बन नहीं पाएगी अच्छे तरीके से। तो गाइस जितना हो सके इसको फैला लीजिएगा हाथों से नहीं स्पैचुला से, इस तरीके से फैला लीजिएगा, ये चिपकेगा तुरंत ही। तो गाइस इसको मतलब जितना भी आपको पतला रखना है उतना आप फैला लीजिएगा, और जो भी बचा हुआ पार्ट है ना कवर का पॉलीथीन का तो इस तरीके से हमें ढक लेना है और बेलन की सहायता से इसको बेल लेना है। जितना भी आप मोटा रख सकते हो चक्की का साइज़ या पतला रख सकते हो तो उतना रखिए, मतलब आपको जैसा भी पसंद है, मोटी चक्की पसंद है या पतली चक्की पसंद है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही पतला जो है ना बेल लिया है क्योंकि खाने में थोड़ी सी दिक्कत भी नहीं होगी। तो जब मोटा होता है ना थोड़ा सा खाने को दिक्कत होती है, तो बहुत ही पतला बेल लिया है मैंने। आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा भी बेल सकते हो। और यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ता जो है काट लिए है, थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ताकि हमारी जो चक्की है ना दिखने में भी बहुत सुंदर लगे। तो चक्की पर तो हमने पिस्ता डाल लिया है लेकिन इसको थोड़ा सा चिपकाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बेलन से मैंने फिर से बेल लिया है। तो हमारा जो पिस्ता है ना सारा चक्की के ऊपर जो है अच्छे तरीके से चिपक गया है।
तो इसको तुरंत ही हमें कट्स लगा लेना है, ये तुरंत सेट हो जाएगा। तो गरम गरम में ही हमें इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। आपको मतलब जितने भी साइज़ में चक्की चाहिए ना, उतना साइज़ में आप कट कर लीजिएगा, स्क्वायर शेप में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो गाइज़ ये भी प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी ही करना है, बहुत ही अच्छी बनी है हमारी जो चक्की है ना, आप भी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा जो है प्रोसेस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे जितना हो सका उतना मैंने ट्राई किया है, मतलब चौकोन शेप में काटने के लिए, तो बहुत ही गर्म होता है और जमने लगती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप इससे भी अच्छे कट्स लगा सकते हो, इससे भी अच्छे मतलब चक्की जो है बना सकते हो। यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट है अभी, इसको सेट होने के लिए हमें आधे घंटे के लिए या तो फिर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखिए कितनी पतली है ये चक्की जो है ना, बहुत ही अच्छी बनी है गैस। इस तरीके से हम बर्फ़ी बना करके 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी दिख रही है दिखने में, और खाने में भी उतनी ही लाजवाब होगी और हेल्दी भी होगी। ये अभी टूट रही है, मतलब अभी कड़क नहीं बनी है। इसको पूरी तरीके से सेट होने के बाद अगर खाओगे ना अब तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, एकदम क्रिस्पी लगेगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट है अभी ये, 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर बाद में आप खा करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनी है। अगर गाइज आज की ये मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज़ आज की ये जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया है, प्लीज़ आप एक बार बना करके ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और गाइज़ मैंने तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए हैं, तो उसका भी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।